दोस्तों, तो ये जो है शॉर्ट कटिंग बहुत ही विस्तार से हम बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। फिटिंग शॉर्ट है तो इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए, ये जिसका है उसका नाम है अनुज, और नंबर जो है मेरा 882 चल रहा। और ये देखिए, ये रहा मेरा 26.5 इंच लंबाई, और ये 33 इंच जो है सीना है, चेस्ट, और ये 28 इंच जो है पेट है यानी कि वेस्ट, ये शोल्डर है यानी कि तीरा 16, और ये बाजू का लंबाई है 23, और ये 13.5 जो है कॉलर है, इसमें कफ जो लगेगा वह 8.5 लगेगा। तो चलिए इस शॉर्ट का कटिंग हम कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो का पूरा देखेंगे तो आप शॉर्ट जो है कटिंग करना सीख जाएंगे। ये बिल्कुल फिक्स फिटिंग नहीं है, बट इस शॉर्ट के कटिंग में मैं बता दूंगा कि कितना पे आप बहुत अच्छा फिटिंग सी सकते हो, कितना पे कितना लूजिंग दोगे, तो कितना पे नॉर्मल होता है, कितना पे लूज होता है, वो हर फार्मूला हम बताएंगे A to Z इस वीडियो में। तो इस वीडियो का आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम ऊपर से एक सीधा मार्का लगाएंगे, उसके बाद इंची टेप लगाएगा, पास नहीं है। तो स्टार्ट हो। तो सबसे पहले जो है ऊपर से एक सीधा एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं, सीधा जो है एक मार्कर ले लेते हैं। इसके बगैर तो कटिंग होगा ही नहीं, क्योंकि ये सीधा ऊपर एक मार्कर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो है ये जो हम मार्कर लगाते हैं, ये लगाते हैं 2 इंची का, ठीक है। उसके बाद जो हम मार्कर लगाते हैं वो लगाते हैं चेस्ट यानी कि सीना का। तो ये देखिए, चौथाई भाग लगाते हैं उसमें हम कम करते हैं, तो सीना जो है 33 है, तो 8 चौका 32, 2 सूत यानी कि 8.25 चौके 33 हो गया। इसमें से 1/2 इंची माइनस करेंगे तो ये देखिए 7.25 पे लगाएंगे। उसके बाद जो है पेट का हम लगाएंगे, तो चलिए लंबाई लगाएंगे। उसके बाद जो है उसको 50 करके जो है पेट का लगाएंगे, तो लंबाई है 26.5, तो 26.5 यहाँ आ रहा है, 1/2 इंच ऊपर से सिलाता है, तो ये 27 लगाएंगे। और ये चाइनीज फोल्ड के लिए 1/4 इंची हम 1.5 इंची मरका लगा दिया। अब ये जो मरका लगाए सेम इधर लगाएंगे, उसके पहले जो है हम यहाँ पे बेस्ट यानी कि पेट का मरका लगा लेते हैं। तो देखिए, जितना लंबाई है ये 26 है, 13 गुना का 26, ये 27 हो गया, तो 27 का हिसाब लेंगे। तो देखिए 13.5 हो गया। उसके बाद जो है इसमें से 2 इंची हम बढ़ा देंगे, तो 1 2 यानी कि 15.5, ठीक है। सेम मरका हम यहाँ पे इस साइड भी लगा लेंगे, यानी कि ये 7.25 हो गया, ये 15.5 हो गया, ये 16.26 है, तो ये 1/2 इंची बढ़ाकर, और ये 7.25 है। अब जो है इसको सीधा फटाफट से जो है सीधा कर लेते हैं लाइन को। आप जो है मेरे चैनल में फर्स्ट बार हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, और आप जो है सबसे पहले अच्छा जानकारी ले पाएंगे। उसके बाद जो है इधर से हम 2 इंची का एक मरका लगाएंगे, ये 2 इंची का मरका लगाए हैं इधर से जो है, ये इस तरीके से एक लाइन दे देंगे। उसके बाद जो है मेजरमेंट का जो भी जितना है, उसके बाद जो है इसको मेजरमेंट लगाएंगे। तो ये देखिए, तो ये देखिए मेरा सीना जो है 33 है, 8 चौका 32 है, 233। उसके बाद जो है ये लूजिंग देंगे, इसमें 1.5 इंची लूजिंग देंगे, 1.5 इंची, ठीक है। और आपको बिल्कुल फिक्स चाहिए फिटिंग, तो 1.25 इंची का देखिए इतना लूजिंग देंगे, ठीक है। और लूज चाहिए तो 2 इंची का लूजिंग देंगे, ठीक है। ये फिटिंग शर्ट का फॉर्मूला है। जो मोटा आदमी रहता है, जिसका पेट ज्यादा होता है, तो उसका जो है 1.5 इंच यहाँ पे लूजिंग दिलाता है, बहुत मोटा आदमी के लिए होता है। तो फिलहाल जो है ये समझ लीजिए कि इसमें 1.5 इंच देंगे, इससे ज्यादा फिट चाहिए तो 1.25 इंच देंगे, और नॉर्मल में चाहिए तो 1.25 देंगे, लूज चाहिए तो 2 देंगे, और हेवी साइज का ढीला चाहिए तो 1.5 इंची देंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसमें शोल्डर जो है वह है 16 इंच, तो ये देखिए 8 पे हम मार्क लगा दिए, 1/2 इंची स्टिचिंग का मार्क लगा दिए, क्योंकि इसमें मेरा बाजू सिलाएगा,
और इसमें जो कॉलर है वो है 13.5 इंच। तो देखिए 13.5 में हम 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। और कॉलर नहीं नापे हैं तो 33 सीना है, तो इसमें हम 12 से भाग दे देंगे तो मेरा सीना आ जाएगा। तो दोनों फॉर्मूला हम हिसाब करके देखते हैं कि कितना का डिफरेंस दोनों में आता है। तो 12 का 12 में 24, ठीक है। चलिए हम 12 का 12 बार 24 बढ़ती आई 36, यानी कि लगभग मैं 2.75 बढ़ती आई 36, यानी कि 2.75 के आसपास आ रहा है। पौने तीन और इसमें कितना है, 5 का 5, 5 10, 15, 15, ठीक है। ये भी जो है हाई के आसपास में आ रहा है। ये कैलकुलेटर आप मोबाइल कैलकुलेटर से हिसाब कर लेंगे, फाइनल आ जाएगा। मेरे पास जो है अभी दो मोबाइल पास में नहीं है तो दिक्कत हो रहा है। ये देखिए 2.5 इंची हम इधर से लगा दिए और इधर से जो है 2 ही रहने देंगे क्योंकि ज्यादा हेवी साइज का नहीं है कि इधर इधर से अढ़ाई भी रख लेते हैं, इधर इधर रखते हैं उससे जो है इधर कम रखते हैं 0.5 इंची, ठीक है। और यहां से यहां मार्का लगा देंगे। और ये जो मेरा मार्का है चेस्ट का, जो हम इसमें हम कम किए हैं इसको 0.5 इंची, तो ये 0.5 इंची हम अंदर की तरफ ले लेंगे। इससे जहां ये जो कपड़ा जमता है सीने के पास बाजू का, ये कपड़ा नहीं जमेगा, बिल्कुल फिट आएगा, इसलिए जो है अंदर में है इसको कटिंग करना चाहिए। और ये जो ऊपर में है 0.5 इंची बढ़ाए हैं तो इससे जो ज्यादा हरमोल जो है लटकेगा नहीं नीचा में है, बिल्कुल ये भी फिट आएगा। इसके बाद ये जो है पेट, तो पेट देखिए यहाँ पे 28 है, तो 7 चौक 28 पे हम मार्का लगा लेंगे। इसमें भी 1.5 इंची का लूजिंग दे देंगे। मेरा वीडियो जो है लंबा इसलिए हो जाता है दोस्त, क्योंकि मैं स्किप नहीं करता हूँ, कटिंग करता हूँ और वॉइस करता हूँ, ताकि आप सभी को जो है अच्छा नॉलेज मिले, अच्छा जानकारी मिले, कहीं भी स्किप ना मिले, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए। इससे क्या होता है हमारे वीडियो से कितना हूँ नए से नए लोग जो है आसानी से सीख पाते हैं। जिनको जानकारी है उनको लंबा वीडियो लगता है, जिनको जानकारी नहीं है उनको बहुत ही अच्छा वीडियो लगता है। इसलिए मैं कहीं भी स्किप नहीं करता, क्योंकि आप सभी का जो है बहुत सारा कमेंट आता है तो मैं समझ सकता हूँ। तो नए लोगों के लिए मेरा वीडियो बहुत अच्छा साबित होता है, इसलिए जो है मैं स्किप नहीं करता हूँ, चाहे जितना बड़ा वीडियो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इसमें जो है नंबर लिख देते हैं 882 और नाम भी लिख देते हैं अनुज, ये पहचान के लिए लिख देते हैं कि मेरा कारीगर जो है वो पर्ची पे लिख के और कॉलर पे चिपका दे, ताकि आसानी से ये पहचान में आ जाए। अब इसको कट कर लेते हैं। आप जो है मेरे चैनल में फर्स्ट बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि इससे भी अच्छा अच्छा नॉलेज आपको मिल सके। आप जो है कटिंग और भी देखना चाहते हैं, शॉर्ट कटिंग, पैड कटिंग, डिजाइनिंग, शॉर्ट कटिंग, कोट कटिंग, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है। मेरे चैनल का जो पीला लोगो है उस पर क्लिक करें, उसके बाद जो है आ जाएगा वीडियो लिखा हुआ आ जाएगा, प्लेलिस्ट लिखा हुआ आ जाएगा, तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, या वीडियो मैनेजर में भी आप वीडियो को देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो है, आप जाके सीख सकते हैं, हर चीज का कटिंग और स्टिचिंग उपलब्ध है। अब जो है इसका बैक पर हम कटिंग करेंगे। ये देखिए इसको हम कितना फोल्ड करेंगे, कैसे मालूम चलेगा, तो आपको ये भी हम डिटेल्स में बता देंगे। ये देखिए यहां से लेकर जो है यहां से लेकर यहां तक हम मापेंगे, ठीक है। ये देखिए ये 10.5 आ रहा है, तो इसमें से 0.5 इंची कम हम मार्का लगा लेंगे ना तो मेरा आ जाएगा बिल्कुल। ये देखिए ठीक है 10.5 है, तो चलिए 0.5 इंच कट के निकल जाएगा। कपड़ा बचाना है तो ये जितने यहां से लेकर यहां तक जितना रहेगा उतना 0.5 इंच अब कम रखेंगे। और इस साइड जो है अपने साइड ये कपड़ा जो हम ज्यादा रखे हुए हैं ये 0.5 इंच से ज्यादा है,
पौन इंच है, ये देखिए पौन इंच है, ठीक है। और ऊपर से जो है ये छोटा जो रहता है, ये वाला छोटा जो रहता है, ये रहता है डेढ़ इंच, ये देखिए ठीक, ये डेढ़ इंच रहता है। और ये शोल्डर का मार्का हम लगाएंगे यहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ माप लेंगे कितना है, तो ये आ रहा है 8.5, तो ये देखिए 8.5 पे इस तरीके से हम मार्का लगा देंगे। उसके बाद जो ये जो स्केल है, जो आधा इंच हम अंदर की तरफ लिए हैं, यही आधा इंच हम आगे की तरफ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ से जो है सेम राउंड कर देंगे, ये कुछ अच्छा राउंड नहीं हुआ, ये देखिए ऐसे राउंड कर देंगे। अब जो है इसको हम कट कर देंगे, यहाँ पे एक नोचिस लगा देंगे मेरा बी सेंटर का। तीरा जोड़ते समय कोई दिक्कत नहीं होती है, और इसको जो है यहाँ से कट कर देंगे। तो ये जो है मेरा फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला कटिंग हो चुका है। अब जो है हम बाजू कट करेंगे, उसके बाद जो है तीरा कट करेंगे। तो इसको जो है फटाफट हटा लेते हैं, उसके बाद जो यहाँ से देखिए हम डायरेक्ट बाजू कट करेंगे। उसके बाद जो है बाजू दो भाग में कटिंग होता है दोस्त, जैसे कि ऐसे करके, और ऐसे भी कटिंग होता है, ऐसे भी कटिंग होता है, और ज्यादा फैल कपड़ा हो हेवी साइज का तो ये सिंगल सिंगल भी कटिंग होता है, जैसे कि सिंगल बता दो तो ऐसे कटिंग हो जाएगा एक पल्ला, और इसी को बिछा कर, इसी को जो है पूरा ओपन बिछा कर इसमें हम कट कर लेते हैं, तो ये आसानी से जो है हेवी साइज में भी कट हो सकता है, हो जाता है। इसका भी हम वीडियो बना दिए हैं, तो मेरे शॉर्ट कटिंग प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं वीडियो मेरे चैनल के अंदर। और सीखना चाहते हैं अच्छा अच्छा जानकारी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप अच्छा से अच्छा नॉलेज ले पाएंगे। यहां से देखिए, यहां से हम फोल्ड कर दिए, और यहां से इस तरीके से मार्का लगाएंगे। और ये देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि यह कितना ढुलाना चाहिए, सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है कि कितना ढुलाना चाहिए, ठीक है। तो अगर 30 से कम हो, 30 से नीचे हो, ठीक है, तो 30 से नीचा हो तो ये जो हम ढुलाएंगे वो ढुलाएंगे 2.5 इंच। 30 से ऊपर हो 34 तक तो 3 इंच ढुलाएंगे, और 34 से ऊपर हो 36, 38, 40, 42 तो 3.5 3.5 ढुलाएंगे, ठीक है। अपने हिसाब से उस हिसाब से ढुला लेंगे। अब बाजू का जो लंबाई है इसमें 23 इंच है, ये देखिए 23 इंच पे यहाँ रखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से आधा इंच कम करके मार्का लगा देंगे, या आप यहीं से, यहाँ 23 है तो 22.5 पे आप मार्का लगा ले, दोनों एक ही फॉर्मूला है, समझने का फेर है। और यहाँ से जो है इसको इस तरीके से सीधा एक मार्का लगा देंगे, और यहाँ से एक मार्का लगा लेंगे। ऐसे बाजू काटने से जो है बिल्कुल स्ट्रेट कट होता है, और लाइनिंग के लिए, जिसमें लाइनिंग सीधा सीधा रहता है, उसके लिए बेस्ट है ये, ऐसे ही काटना चाहिए। तो ये देखिए कफ जो है मेरा यहाँ पे 8.5 है, तो ये देखिए यहाँ पे 4.25, ठीक है, 4.25 पे मार्कर नहीं लगाएंगे। इसमें जो है सिलाई का भी मार्जिन हम छोड़ के कट करते हैं, तो इसमें जो ये बनता है चाक पट्टी, उसके लिए हम 0.25, ये देखिए 0.25 हम कपड़े इसमें 0.5 इंची 0.25 इंची लेते हैं, ठीक है। तो इतना अगर मेरे हिसाब से लीजिएगा तो इसमें टेकिंग नहीं आता है, बिल्कुल फिक्स आएगा। टेकिंग के लिए आपको अलग से मार्जिन लेना होता है, ठीक है। तो इतना हम मार्का लगा दिए और इतना पे हम कट कर देंगे, तो इसमें टेकिंग नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और ये देखिए यहाँ से चेस्ट जो है मेरा 33 है, तो ये देखिए 8 का 32 1 33 फिक्स आ रहा है। इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो फिक्स आ रहा है भाग हो गया, तो इसमें से हम क्या करते हैं कि अगर ये 3 इंची नीचा रखते हैं तो इसमें से 1/2 इंची हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला है, ये 1/2 इंची हम कम कर लिए, तो मेरा कितना आ गया 0.75 आ गया। तो ये देखिए 0.75 पे हम मार्का लगा दिए, और यहाँ से जो है सेम इस तरीके से राउंड राउंड करके इसको यहाँ से मार्का लगा देंगे। और ये मेरा रहा सेफ फंटी, तो सेफ फंटी से जो है यहाँ से इस तरीके से हम मार्का लगा देंगे ये, और
ये घुटना का ये जो है इसका मेजरमेंट हम ले रखे हैं, तो इसका मार्का हम कैसे लगाएंगे, यहाँ से यहाँ माप लेंगे, इसको 50-50 कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे 50 आ रहा है, 11 दुना का 22, 11.5 आ रहा है, ठीक है। तो 11.5 आ रहा है, तो यहाँ पे हम मापेंगे जितना रहेगा, जैसे कि 11 है तो 11 पे इस तरीके से मार्का लगा के 80-20 से लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। तो इसका मेजरमेंट मेरे पास नहीं है, ये ऐसे ही कट करना है, नॉर्मल कट करना है, ज्यादा फिट करने के लिए जो है ये ज्यादा ढीला नहीं चाहिए, इसके लिए मेजरमेंट लिया जाता है। यहाँ से इस तरीके से एक नोचिस पहले ही लगा देंगे, उसके बाद जो यहाँ से इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। ये देखिए कट हो गया, अब यहाँ से हम सिलाई का मार्जिन छोड़कर कट कर लेंगे। यहाँ से कट, इसको जो है ये देखिए ये जो है 50-50 है, तो यहाँ से इसको यहाँ बराबर वैसे तोड़ेंगे, उसके बाद जो सिलाई का मार्जिन हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सिलाई का मार्जिन बाहर निकालने के बाद जो है ऐसे इस तरीके से हम मार्का लगा लेंगे। उसके बाद जो है सियाना ज़्यादा हैवी साइज होता है तो 5.5 पे मार्का लगाएंगे, मीडियम होगा तो 5.25 और नहीं तो 5 पे इसको कट कर देंगे। इसमें मेरा चाक पट्टी बन जाएगा। अब इसमें का बकाया रह गया तीरा, ठीक है। तो तीरा को कट कर लेते हैं, तीरा को कट करते हैं। चलिए तीरा हम यहां से कट कर लेते हैं। तीरा जो है वो है 16 इंच, तो देखिए 8 × 16 = 8.5 काटना है तब का, इतने में जो है आ जाएगा। यहाँ पे एक हल्का नाखून लगा लेते हैं, बैठ जाएगा कपड़ा। अब जो है यहाँ से इसको एक सीधा लाइन देंगे, उसके बाद इसको जो हाइट करेंगे ये करेंगे 5.25 इंची, ठीक है। और यही हेवी साइज रहता, लंबा आदमी के लिए होता है या हेवी साइज रहता, जैसे कि 34 सीना से ऊपर रहता तो 5.5 कट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कट करेंगे, इसको 5 भी कट कीजिएगा तो चल जाएगा, बट मैं 5.25 कट करूंगा, 5.25। और इसमें जो हालर हम डाउन करेंगे ये करेंगे 1.25 इंची, और सब में इससे ज्यादा हो 34 के बाद जो है 1.5 इंची डाउन करेंगे, 34 के बाद जो है 38 तक 40 तक 1.5 इंची डाउन करेंगे, इससे ज्यादा नीचे डाउन करेंगे तो नीचे माहे टानने लगता है कॉलर, ठीक है। और इधर भी सेम 5.25 रखेंगे और ये 5.25 डाउन यहाँ एक मार्क लगा देंगे ऊपर, यहाँ पे मेरा तिरछा ऐसे आएगा। उसके बाद जो है देखते हैं कि मेरा शोल्डर जो है 16 है, तो ये 16 पे मार्क लगा दिए। उसके बाद सिलाई मार्जिन में जाएगा 1/2 इंच, तो ये मार्किंग लगा दिए। और अब देखे होंगे कि हालर में हम जो मार्का लगाए हैं वो 1/2 इंची लगाए हैं, तो यहाँ भी 1/2 इंची का एक मार्का लगा देंगे। अब इसको हम स्केल के द्वारा जो है हर मार्का को हम मिला लेते हैं। तो ये देखिए तीरा जो है मार्का लग गया है, अब इसको कटिंग करते हैं। हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगता है, मेरा नॉलेज जो है आप सभी को कैसा लगता है आप लोग कमेंट के जरिए बता सकते हैं, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, और आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और शॉर्ट कटिंग के बाद भी और भी कुछ सीखना चाहते हैं सीने के लिए,
या कटिंग करने के लिए, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सीख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो वहाँ पे अपलोड है, डिजाइन का भी अपलोड है, तो आप जाकर वहाँ देखें और सीखें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं हूँ आरएस फैशन डिजाइनर बुटीक, और मेरा नाम है सद्दाम हुसैन। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें।